हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ गाजर और चुकंदर का जूस। और जो सर्दियों में बनाया जाता है, क्योंकि गाजर भी फ्रेश आ रहे हैं और चुकंदर तो खैर हमेशा ही आते हैं, तो ज़रूर बनाना चाहिए। और जो गाजर और चुकंदर का जूस है, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जैसे शरीर में खून की कमी है, तो इसके लिए भी ये जूस बहुत फ़ायदेमंद करता है। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ गाजर और चुकंदर का जूस। फिर चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर और चुकंदर का जूस। और जो मैं गाजर और चुकंदर का जूस बना रही हूँ, उसके लिए मैंने एक चुकंदर लिया है यहाँ पे। और चुकंदर ये बड़ा साइज़ का है और मैंने इनको अच्छे से धो दिया है पहले। और इसके लिए मैंने यहाँ पे दो गाजर लिए हैं और थोड़े ये पुदीना के पत्ते भी हैं। पुदीना बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, तो इसको तो ज़रूर डालना चाहिए। और इसमें एक लेमन भी है, नींबू, और इसमें थोड़ा काला नमक डालूँगी मैं। और थोड़ा मैं चीनी डाल लूँ, चीनी आपकी मर्ज़ी, आप डालो अगर पसंद करते तो डालना, अगर नहीं डालना चाहते तो चीनी नहीं डालना। मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं। तो इसी से बनाऊंगी मैं आज गाजर और चुकंदर का जूस। सबसे पहले मैं ये चुकंदर को काट दूंगी, इसका छिलका निकाल देंगे ऊपर से। तो इसको मैं कट कर रही हूँ। और ये जूस ज़रूर बनाना चाहिए, जैसे मोटापा है तो उसके लिए भी, बैलेंस करने के लिए जूस बहुत अच्छा होता है। आज आप इसको ना सैलेड में भी खा सकते हो, चुकंदर और गाजर को, जैसे इसका सलाद बना के भी खा सकते हो, बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने चुकंदर के छिलके निकाल दी, वैसे मैं गाजर के भी छिलके निकाल दूंगी ऊपर से और किनारे से कट कर दो गाजर को। अब मैं ऐसे सारे गाजर के छिलके निकाल दूंगी। अब मैंने गाजर के छिलके भी निकाल दिए, अब इनको मैं दोबारा से वॉश करूंगी, फिर इनको कट कर देंगे। अब मैंने इनको अच्छे से वॉश कर दिया है, अब इनको कट कर दूंगी चुकंदर और गाजर को। अब मैं गाजर के छोटे छोटे कट कर दूंगी इनको, ज़्यादा बड़े नहीं करने। और मैंने गाजर और चुकंदर कम ही लिए, क्योंकि हमको कम ही बनाना है, 2 गिलास बनाने हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाने तो आप और गाजर और चुकंदर भी ले सकते हो, और आप चाहते इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, सभी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। टमाटर वाला मैं दूसरे दिन बनाऊंगी। और मैंने गाजर को कट कर दी, ऐसे मैं चुकंदर को भी कट कर दूंगी। चुकंदर की भी मैं थोड़े थोड़े कट कर रही हूँ, छोटे छोटे पीस। अब मैंने चुकंदर के भी सारे पीस कट कर दिए हैं, तो अब मैं इनको मिक्सी में पीस दूंगी। और जो मैं गाजर और चुकंदर का जूस बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी ले लिए और एक जार ले लिया है, मिक्सी का जार। तो इसी में बनाऊंगी मैं जूस। और इसमें मैंने जो गाजर और चुकंदर कट करके रखे हैं, इनको डाल देंगे। और इसमें मैं ये पुदीना के पत्ते भी डाल रही हूँ। और इसमें मैंने नींबू भी लिया है, नींबू से मैंने बीज निकाल दिए हैं, तो नींबू को भी मैं इसमें निचोड़ दूंगी, जो नींबू का रस है। और थोड़ा इसमें काला नमक डालेंगे, थोड़ा काला नमक डाल दूंगी मैं स्वाद अनुसार। और इस पर थोड़ा सा मैं चीनी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालना चीनी, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, वो आपकी मर्जी, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है चीनी। अब थोड़ा इसमें पानी डालना है, 1 गिलास के करीब पानी डालना है इसमें। अब इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं मिक्सी में इसको, मिक्सी जार में मैंने इसको डाल दिए चुकंदर और गाजर को, अब मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक बनाना है इसको, ताकि जूस अच्छे से निकल जाए। और इसको 1-2 मिनट तक चलाना है मिक्सी में। एक मिनट हो गया, मैं अभी और चलाऊंगी इसको, ताकि और ज्यादा बारीक हो जाए और जूस अच्छे से निकल जाए। अब मैं इसको निकाल रही हूँ नीचे मिक्सी जार को, जो जूसर है। अब ढक्कन खोल के चेक कर लेती हूँ एक बार कि ये बारीक हुआ है कि नहीं। ये देखो चुकंदर और गाजर अच्छे से बारीक हो गए हैं। अब इसके लिए मैंने एक जग लिया है जूस छानने के लिए, और एक छन्नी ली है। अब हम जो ये जूस है, इसको मैं एक छन्नी में डाल दूंगी।
और जूस को अच्छे से छानेंगे हम जूस को। जग में हल्का सा पानी डालूंगी, इसको भी डाल देंगे हम। और इस जूस में काफी पल्प निकला है तो ये भी यूज हो जाएगा। तो मैंने ये जूस से सारा ये जो पल्प है इससे जूस निकाल दिया है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में रख रही हूँ। अब जो मैंने पल्प से सारा सारा जूस निकाल दिया है और जो ये पल्प है इसको भी मैं यूज करूंगी, पराठे बनाऊंगी इसकी, जो ये गाजर और चुकंदर के इनको भी फेंकना नहीं है। तो इसमें मैं जूस में ना थोड़ा सा चाट मसाला मिला रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। अब इसको थोड़ा चम्मच से घोल देंगे हम। अब जूस के लिए मैंने 2 गिलास ले लिए हैं, अब हम जूस को गिलास में डाल देंगे। अब मैं ऊपर से जूस में पुदीना के पत्ते भी डाल रही हूँ, बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। जो मैंने ये गाजर और चुकंदर का जूस बनाया है ये बनके पूरी तरह से रेडी हो गया है पीने के लिए। और अगर आपको ये जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना आपको कैसी लगी। और मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।